गाइज आपको पता है कि मेरे पास अपनी YouTube वीडियो एडिट करने के लिए लैपटॉप नहीं था, लेकिन बोलते हैं ना ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। मेरे को दो दो लैपटॉप जो है वो गिफ्ट में दिए हैं, और इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो 40,000 के एक है, 40,000 का दूसरा है, तो लगभग 80,000 की जो है वो गिफ्ट है। तो वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा कि किसने मेरे को ये गिफ्ट दी है और कैसा मैं फील कर रहा हूँ। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यार अभी थोड़े भारे लग रहे हैं तो इनको मैं नीचे रख लेता हूँ, फिर आपके सामने अपनी फीलिंग जो है वो शेयर करता हूँ। तो गाइस यार इन लैपटॉप के पीछे का सारा जो क्रेडिट है वो जाता है मेरी छोटी बहनों को। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी जो छोटी बहनें हैं वो पढ़ने लिखने में अच्छी खासी हैं, उनके जो परसेंटेज है वो 90% से अप रहती है। एक के 91% नंबर थे और एक के 93% नंबर थे, तो उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से लैपटॉप मिला है, जैसे हिमाचल सरकार में मेरे को लगता है अदर जो स्टेट है वहाँ पे भी दिया जाता है, तो आपकी तरफ भी मिलता होगा, तो यहाँ पे भी जिसके भी 75 या 80% के ऊपर के मार्क्स होते हैं तो उनको लैपटॉप दिए जाते हैं, तो उनको भी जो है वो एक एक लैपटॉप मिला गवर्नमेंट की तरफ से। और उन्होंने जो है मुझे लैपटॉप अचानक से सरप्राइज़ करके दिया, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम पिछले साल दिए थे तो लैपटॉप इस साल आए। तो अभी मैं जस्ट सोया हुआ था तो वो चुपके से चली गई थी लैपटॉप लेने के लिए स्कूल, और स्कूल से वो आई और उठ के उन्होंने बोला कि भैया हम आपके लिए लैपटॉप लाए। सच्ची बता दूं गाइस आपको, ये चीज़ तो पता है कि इस टाइम पे मैं लैपटॉप ख़रीद भी नहीं सकता था, और YouTube के कामों में जो इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी। यार सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं किस्मत भी जो है मेरा साथ दे रही है। हालांकि आगे चलकर क्या होता है क्या नहीं, और यहाँ पे आपको सच बात बता दूँ तो एक लैपटॉप जो है मैं अपनी सिस्टर को वापस कर दूंगा, और एक लैपटॉप से जो वीडियोस वगैरह एडिट करूंगा। बाकी यार फीलिंग आप समझ सकते हो कि यूट्यूबर की और मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, दो दो यूट्यूब चैनल हैंडल कर रहा हूँ, फिर काफ़ी सारी कोर्स को लेकर उनको बनाना, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन लैपटॉप आने के बाद काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो मेंटेन हो पाएंगी, आई होप, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो गाइस चलिए मैं आपको इनको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ, आखिर सरकारी माल है तो कब तक टिकेगा ये तो मुझे नहीं पता, और कितनी अच्छी इससे वीडियो एडिटिंग होगी मुझे नहीं पता, लेकिन आखिर है तो एक लैपटॉप, कुछ ना कुछ तो चलेगा ही चलेगा। तो चलिए अनबॉक्स करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस इन लैपटॉप की ज़्यादा प्रोफेशनल वे में जो वो अनबॉक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल गुरु जी की तरफ तो मैं नहीं करूँगा, बट यहाँ पे जैसे ही मैं इनको निकालता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पैक्ड आता है। सबसे पहले इसकी फॉर्म जो वो निकाल लेते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे एक लिफाफे का कवर भी लगा हुआ है। तो इस लिफाफे के कवर को निकालने के बाद जो है दोस्तों आप देख सकते हैं लैपटॉप कुछ इस तरह का दिखता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो लोगो है, भारत सरकार, तो यहाँ पे दिख रहा है, और एसर कंपनी का लैपटॉप है। साइड से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल स्लिम है, मिनी लैपटॉप है, 1 से 1.5 किलो शायद इसका वजन होगा, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है डब्बे के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप खोल के देखेंगे तो कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है, छोटी सी LED है यहाँ पे। और दूसरा जो लैपटॉप पीछे रखा उसको मैंने पहले एक्साइटमेंट में अनबॉक्स करके एंड यूज़ कर लिया था, इसलिए मैंने आपको स्क्रीन में ये खोल के नहीं दिखाया। तो जैसे ये ऑन होता है तो सबसे पहले आता है गवर्नमेंट का लोगो, तो आप देख सकते हैं तो फर्स्ट टाइम ऑन हो रहा है, गवर्नमेंट का लोगो आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो थोड़ा सा आपको पेपर वर्क मिल जाता है और मिल जाती है एक CD, और इसके अलावा जो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है आपको, एक छोटी सी और इसके अंदर पड़ी हुई है। तो यहाँ पे है चार्जर, और चार्जर के साथ जो है दोस्तों आपको मिलती है एक केबल ताकि आप लेट के लैपटॉप को चला सको। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर एंड टाटा दोस्तों।